आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। देशों तक फैला ओमिक्रॉन, कुल 26 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में रेड एक्सप्रेसवे पर आधी रात टोल कलेक्शन होगा शुरू। दिल्ली में 100 फीसद लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज, सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। शेयर बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन लाल निशान में बंद हुआ शेयर बाजार। अजय कुमार टेनी के ब्लैकमेल करने के आरोप में 5 गिरफ्तार, सबूत का दावा कर करोड़ों कर रहे थे की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि सरकार विकास कार्यों के दम पर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी, लेकिन गेस्ट हाउस के पत्रकारों में वार्ता किया गया और उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र में भाजपा की डबल इंजन सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रही है। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनहित में निर्णय ले रहे हैं। विकास विकास विकास, केवल विकास। भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर, अपने विकास के नाम पर, हमेशा से हमारा मुद्दा विकास रहा है। हमने जो कहा वो करके दिखाया और विकास ही हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा चुनाव में। और विकास के दम पर ही उत्तराखंड की जनता ने 2017 में हमें चुना, 19 में हमें चुना और इस प्रदेश में जितने भी उपचुनाव हुए उन सब में जो है उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। और चूंकि हमने विकास किया इसलिए दिया। अभी 4 महीने पहले जो साल का उपचुनाव हुआ उसमें भी उत्तराखंड की जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया, तो निश्चित तौर पर 2022 में भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों पर मोहर लगाएगी। और जिस प्रकार 5 साल जो है कांग्रेस का भ्रष्टाचार वाला राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानूनों के पद पर एक एक न करने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक व राजस्व सेवक संघ ने अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। तमाम बिंदु की मांग पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव सिर पर आखड़ा हुआ है और पर्वतीय क्षेत्र में चुनाव को अच्छे तरीके से सम्पन्न कराने में राजस्व विभाग की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण रहती आई है, जहां ऐसे समय में राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से सरकार की सिरदर्दी ही बढ़ाने वाली है। खबर चंपावत के सुखिनढांग क्षेत्र का है, जहां राजकीय इंटर कॉलेज में भोजन माता की नियुक्ति को लेकर विवाद का एसएमपी और पीटीए की खुली बैठक की है निपटारा हो गया है। जब मामले की जांच में नैनीताल से आए एडी बेसिक अजय नौटियाल और मुख्य शिक्षा अधिकारी आरसी पुरोहित को बीआई अंशुल बिष्ट ने जांच करके भोजन माता की नियुक्ति को अवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है और आदेश दिया है कि आगे विज्ञप्ति जारी करके नए सिरे से भोजन माता की नियुक्ति होगी। जांच में पाया गया कि भोजन माता की नियुक्ति प्रक्रिया में पहले सामान्य जाति की महिला हुई थी, जहां लेकिन के बाद में अनुसूचित जाति की महिला को भोजन माता नियुक्त कर दिया गया, जिससे विवाद पैदा हो गया। वहीं इस मामले में जानकारी देते हुए सुखिनढांग क्षेत्र के उपजिलाधिकारी हिमांशु कफलतिया ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने संबंधित विभाग की कार्यवाही से छुआछूत जैसी कुप्रथा को मिटाने और गाँव में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया है। यहाँ पर जब ये प्रस्ताव दिया गया तो लोगों ने कहा, गांव के लोग बोले कि भाई ऐसा है कि साहब यहाँ एक तलाकशुदा महिला है और उनका कर दीजिए जी। तो इसके बाद में भाई हम लोगों ने कहा कि साहब उनका हम जो नियमानुसार नहीं फंस रहा है जी, नियमानुसार जो आ रहा है हमने उनका प्रस्ताव दिया है, अगर ये आपको करना है तो एसएमसी और जो प्रधानाचार्य जी इस एसएमसी के सचिव हैं वो कर सकते हैं। हम तो केवल फार्मों को जांचा है और प्रस्ताव दिया है जो हमारा जो भी नियमावली है उसके तहत जी, तो आप लोग करिए। तो इसके बाद में सर हमने मंच का संचालन मैं ही कर रहा था और इसके बाद हमने पूरा का पूरा मंच जो था वो श्री विनोद नेथानी जी हैं, यहाँ एक युवा हैं हमारे क्षेत्र के समान से भी हैं, उनको दे दिया और हमने कहा आप अपने ग्रामीण और जो बैठक में बात कर लीजिए, लेकिन हम लोग वहीं मौजूद रहे जी।
तो जब लोगों से पूछा गया, उन्होंने संचालन करके लोगों को आमंत्रित किया, तो लोगों से पूछा कि भाई अपने विचार दीजिए, तो जिन जिन लोगों को आमंत्रित किया, हमारे गांव के वर्तमान ग्राम प्रधान श्री दीपक राम जी थे, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा भाई नियमावली में जो आ रहा हो उसको कर दीजिए। हमारे तहसील अंतर्गत सुखी डांग में एक प्रकरण सामने आया है जहाँ पे स्कूल के बच्चों ने एक जो ऐसी कम्युनिटी की भोजन माता हैं उनके हाथ से खाना खाने से मना कर दिया। इस विषय पर शिक्षा विभाग द्वारा अपने जो उनके उच्च अधिकारी हैं उन्होंने कल एक SMC की ओपन बैठक वहाँ पर करी गई है उनके द्वारा। इसके पूरे दो आस्पेक्ट हैं, एक है कि जो भोजन माता की नियुक्ति थी उसमें कुछ अनियमितताएं तो नहीं थी, और दूसरा कि क्या जो SC जो भोजन माता हैं उनका जो अन्य बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया था। जो इसका पहला पहलू है जिसमें कि रिक्रूटमेंट की बात है, वो जो नियमानुसार है वो डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई कर रहा है। खबर कलियर के ब्लॉक बहादुराबाद दादुवास गांव से है, जहां लोगों की राशन की समस्या को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर ब्लॉक बहादुराबाद के अधिकारियों ने खुली बैठक का चयन किया, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि हमें राशन लेने अपने गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर नदी पार करके जाना पड़ता है, जिससे हमें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सभी ग्रामवासियों और अधिकारियों की सहमति से हमारे गांव में सस्ते गल्ले की दुकान खोली गई, जिससे राजकुमार को राशन डीलर चुन लिया गया। आइए आपको सुनाते हैं राशन की दुकान खुलने पर ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं साद अली आपके साथ। आज बात करते हैं विधानसभा ज्वालापुर क्षेत्र दादूबास की। यहाँ पर एक स्कूल में बहुत ज्यादा आदमी इकट्ठा हो रखे हैं, उनकी क्या समस्या है उनसे जानेंगे, क्यों एक आदमी इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे, जी बताइए क्या समस्या आपकी। वही समस्या है राशन की, जो राशन जो हमें यहाँ से 3 किलोमीटर चल के नदी पार करके जाना पड़ता था, हम चाह रहे कि हमारे गाँव में ही मिले, और उसी के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अधिकारी आए हुए हैं, उनको हम अपनी प्रॉब्लम बता दिए तो वे इकट्ठे हो गए, सबकी बात रख रहे हैं। समस्या तो यही है जी हमारी, अब ये जो हमारा राशन है जो फ्री का है, कभी हमें मिल गया कभी नहीं मिला, जाने की हमारी और तो ना बड़ी दिक्कत है। 3.5 किलोमीटर गाँव है हमारा, यहाँ से नदी का रास्ता है, गन्ने खेतों का बड़ रास्ता है जी, वहाँ कोई चला जा कोई नहीं जाता, इस वजह से यह परेशानी है जी। हम हमारा कोटा यहीं मिल जाए, हमारी दुकान यहीं आ जाए। मैं एक विकलांग आदमी हूँ जी, जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं विकलांग आदमी हूँ, 3 साल से मैं कोटा लेने के लिए जाता नहीं, कोटा लेने के लिए 3 साल हो गए जाता नहीं, क्योंकि मुझे मिलता नहीं, मुझे मिलता है 10 किलो, मेरे पे पीला कार्ड है। 2 साल से फ्री मिल रहा राशन, लेकिन मुझे फ्री भी नहीं मिल रहा। तो क्या जो सरकार द्वारा मैं तो ये चाह रहा हूँ राशन मिल रहा है आपको, नहीं मिल पाया? नहीं मिला नहीं जी, मुझे नहीं मिला, मैं 3 साल हो गए जाता ही नहीं कार्ड लेकर, अपना मेरे पे पेड़ा कार्ड है, मुझे राशन 2-10 किलो देता है पैसे से, और नदी पार करके मैं क्यों जाऊंगा। तो जैसे फ्री का राशन आ रहा है वो आपको नहीं मिल पा रहा, मैं सरकार को शिकायत भी कर चुका है इस चीज़। तो आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ? कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। देखते हैं यहाँ पे जो विकलांग आदमी भी है और इनको 10 किलो राशन दिया जाता है, जो फ्री सरकार द्वारा मिलता है यहाँ पे इन्हें नहीं मिल पा रहा है, देखते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला। कालाढूंगी के विधानसभा के न्याय पंचायत बैलपड़ाव के किसानों में गन्ने की फसल का उचित मूल्य और गन्ने से लदी ट्रॉलियों का समय से फैक्ट्री में नहीं पहुंच पाने के कारण आक्रोश का माहौल है। किसानों का कहना है कि भाजपुर शुगर फैक्ट्री किसानों की परेशानी को समझनी चाहिए, वहीं ठेकेदारों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। दरअसल बैलपड़ाव तैल क्रय केंद्र में 2 तौल क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें एक ही व्यक्ति बाबू का पद संभाला हुआ है, जिस कारण भी किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते किसानों को अपनी गन्ना की फसल के उचित मूल्य के लिए लंबा समय का इंतजार करना पड़ता है। उसकी लेबर अलग से होनी चाहिए और उसका ठेकेदार अलग से होना चाहिए, हमारा गन्ना वहाँ से उठवाएं अपने सेंटर से, यहाँ हमारा कोई गन्ना नहीं आएगा, सब किसान जो हैं बहुत परेशानियों में हैं। क्योंकि फैक्ट्री का जब रिपेयर होता है उसमें ठीक से रिपेयर नहीं होती, तो जो कि बार बार फैक्ट्री बाधित होती है, और उसमें कोई इस बात पर गौर नहीं करता कि फैक्ट्री ठीक से रिपेयर हो तो फैक्ट्री सीजन में पूरी ठीक ढंग से चले। दूसरा, हम सप्लाई के ठेकेदारों की भी लापरवाही है, जो सही ढंग से माल उठाते नहीं हैं। उसके अलावा गन्ने का सेंटर की हालत यह है कि 2-2 सेंटर में एक बाबू है, तो वो
खबर नरेंद्र नगर के धर्मानंद उनियाल राजकीय महाविद्यालय से है, जहां छात्र छात्राओं ने प्लास्टिक का उपयोग पर रोक लगाने के लिए जन जागरण अभियान चलाया। इस दौरान बच्चों ने कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में नगर के मुख्य मार्ग पर रैली निकालते हुए आम जनता से प्लास्टिक का उपयोग बंद कराने का आह्वान किया। राजकीय महाविद्यालय नरेंद्र नगर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा आज नरेंद्र नगर में एक गोष्ठी और एक रैली का आयोजन किया गया, जिसका विषय था सिंगल यूज प्लास्टिक का उन्मूलन और उसका पर्यावरण पर प्रभाव। तो इसका जो मेन उद्देश्य है हमारा जागरूक करने का है कि आम जनता जागरूक रहे कि प्लास्टिक का क्या प्रभाव है, हम इसको कैसे मिनिमाइज इसका यूज को कर सकते हैं। उसमें प्लास्टिक उन्मूलन को लेकर के इकाई का एक दिन का जो आज कैंप है, इसमें हमने मुख्य तौर पे ये मुझे आपने आमंत्रित किया था डॉक्टर संजय सिंह सर ने, जोशी सर ने, तो बच्चों को हमने इस बारे में बात की है लोगों ने सब ने कि प्लास्टिक हमारे जीवन में क्योंकि अब इस तरह से घुस चुका है कि उससे छुटकारा पाना बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन कैसे हम जो उपयोग किया गया प्लास्टिक है उसको इस तरह से डिस्पोज करें कि वो धरती को, पानी को, हवा को कोई नुकसान न पहुँचा सके। या खबर टिहरी से है, जहां पर राजस्व उप निरीक्षकों और राजस्व सहायकों ने अपनी चार सूत्री मांगों के समर्थन में कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान संघ के सचिव यशपाल नेगी और तहसील अध्यक्ष सूरज गदोही समेत कई लोग धरने पर बैठे रहे। ये है कि हमारी वैसे चार सूत्री मांगे हैं, मुख्य मांग ये है कि जो एकीकरण ये रजिस्ट्रार कानून संघ और हमारे जो संगठन का एकीकरण, जो विभागीय एकीकरण होने की बात है, इसका हमारे संगठन द्वारा विरोध किया जा रहा है और इसमें राजस्व परिषद द्वारा बिना हमारी सहमति लिए हुए उनका एकीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा है, जो निर्णय विरुद्ध है। लक्सर के खुड़ी भगवानपुर में 16 दिसंबर को बदमाशों ने गोलीकांड को अंजाम दिया, जो अभी तक फरार चल रहे हैं। वहीं पुलिस ने उनके घर पर कुर्की वारंट चस्पा किया था, जहां बीती रात पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर छापा मारा और हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की घटना को स्वीकार किया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त तमंचा व मोटरसाइकिल हत्यारोपी की निशानदेही पर बरामद कर लिया है, जिसके बाद मुख्य आरोपी अरुण कुमार को पुलिस ने जेल भेज दिया। फिलहाल अन्य हत्या आरोपी के अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 12 में एक हत्या हुई थी कोड़ी भगवानपुर में, ऋषिपाल नामक व्यक्ति की, बालावली के रहने वाले की। तो जो उसमें मेन एक्यूज है, जिसने गोली मारी है, तो उसे जो है पुलिस ने, थाना लक्सर पुलिस ने उसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त तमंचा और जो बाइक जिससे वो भागा था मौके। नगर पालिका परिषद मसूरी में क्रिसमस व नव वर्ष की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर कोतवाल के साथ वार्ता कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सुझाव दिए गए। साथ ही बताया गया कि नव वर्ष के अवसर पर भारी संख्या में पर्यटक मसूरी की ओर से रुख करते हैं, जिसमें जाम की स्थिति बन जाती है। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें टैक्सी एसोसिएशन और शहर के अन्य लोगों से भी वार्ता की गई है। बैठक आज पालिका सभागार में पुलिस प्रशासन, स्थानीय सभासद, टैक्सी एसोसिएशन और भी शहर के अन्य लोगों के साथ यहां पर की गई, जिसमें जो आने वाला हमारा न्यू ईयर है, क्रिसमस है, इसकी छुट्टियों में किस तरीके से शहर में ट्रैफिक का व्यवस्था बनाने ही जाए, इसके बारे में विचार लिया गया और पुलिस डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया कि जितने भी टू व्हीलर्स, जो कमर्शियल टू व्हीलर्स की जिस तरह की संख्या बढ़ रही है और पब्लिक प्लेसेस पे खड़े हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इनको जो पार्किंग कोई जगह ऐसी अलॉट करी जाए जहाँ आप टू व्हीलर्स पार्क कर रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पे टू व्हीलर्स पार्क न कर सके। और इसके साथ साथ जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जितने भी होटल्स हैं, जिनके पास गाड़ियां जिनकी रोड पे खड़ी रहती है, तो जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे किसी प्रकार की कोई पार्किंग ना हो, किंग रेट पार्किंग का सदुपयोग। लालकुआ कोतवाली पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जहां इस अभियान के तहत एक युवक को एसओजी की मदद से लगभग 106 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। लालकुआ पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है, 106.9 ग्राम जो है स्मैक पकड़ी गई है।
एसओजी और रामपा की संयुक्त टीम के द्वारा ये बरामद किया गया है। और इसमें ये जो मुलजिम है रामपुर जिले का रहने वाला है, ये एक अपने अन्य साथी के साथ यहाँ पे स्मैक बेचने के लिए आता था और इसके द्वारा पूछताछ में बताया गया यहाँ स्थानीय लालकुआ हल्द्वानी के अलावा ये पहाड़ों में भी स्मैक की सप्लाई करता था। घोड़ा नाला सुभाष नगर के पास पुलिस की टीम के द्वारा डाला गया और वहाँ गिरफ्तारी की गई। खबर लक्सर कोतवाली की सुल्तानपुर से है, जहां पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस को करीब 9.5 ग्राम अवैध स्मैक और 2000 रुपए नकदी और एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। जिसका खुलासा करते हुए लक्सर कोतवाली प्रभारी यशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि हरिद्वार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे नशीले मादक पदार्थों की रोकथाम और आरोपियों की धरपकड़ अभियान को जारी रखते हुए लक्सर पुलिस क्षेत्र अधिकारी बहादुर सिंह चौहान के नेतृत्व में पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। 22 दिसंबर को चौकी इंचार्ज सुल्तानपुर अंगूर के द्वारा एक स्मगलर असद निवासी कुनहारी को पकड़ा गया था, जिसके कब्जे से 9.5 ग्राम अवैध स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 2000 रुपये और एक मोबाइल बरामद हुआ था। उसको एनडीपीएस एक्ट में उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।